ये रूम है इसके अंदर, एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये की दो पॉइंट्स हैं। बाकी तीसरा जो है वो देखते हैं कहाँ आना चाहिए। हालांकि तीसरे पॉइंट दिया वाले के आई वंडर के क्या। अच्छा, ये जो किचन है, किचन में जो किचन सॉरी टीवी वॉल, इसकी जो शेल्फिंग है, तो इसके अंदर जो है ये देख रहे हैं कि ये क्या बल्ब लगाएं या प्रोफाइल लाइट लगाएं। वालेकुम अस्सलाम। तो जनाब हम जा रहे हैं पेरेंट्स टीचर मीटिंग में। वलिया और यूशा जो है वो क्लास रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो इस वजह से वलिया और यूशा को जो है वो स्कूल में बुलाया गया है, क्योंकि ड्यूटीज़ लगाई गई हैं कुछ जो कि वलिया और यूशा करेंगे। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। आपको स्कूल के लिए आपको ड्यूटी करने को कहा गया है, आपको एक अहम चीज़ दी गई है। तो जी चलते हैं, बच्चों के पेरेंट्स टीचर मीटिंग का टाइम करते हैं, और आज बहुत सारे काम भी हैं दूसरे, तो वो काम भी करेंगे। इसलिए हमारा टाइम 11 बजे का था, लेकिन हम जो है वो 10 बजे तक जा रहे हैं ताकि हम जल्दी फारिग हो जाएँ। ऐसे ही है वलिया, वलिया और यूशा को हम छोड़ कर आ जाएंगे, इनका जब स्कूल ऑफ होगा तब ये लोग आएंगे। विशल घर पर ही है, तो जी चलते हैं, आपको भी स्कूल दिखाते हैं। तो जनाब पहुंच चुके हैं हम लोग स्कूल, और अभी से यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होना शुरू हो गई हैं। हालांकि हमने यही कहा था कि जल्दी पहुंच जाएंगे ताकि हम जल्दी फारिग हो जाएं, लेकिन गाड़ियाँ जो हैं यहाँ खड़ी होना शुरू हो गई हैं। खैर, लेकिन ये कि फिर भी कम रश है, वरना बहुत ज़्यादा रश हो जाएगा। तो बस चलते हैं और कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द जो है ना सारी टीचर्स के साथ जो है वो हमारी आज मीटिंग हो जाए। तो जी यहाँ पर हम लोग जो थे वो सीधा जो था वो सेकंड फ्लोर पर आ गए थे, क्योंकि यूशा, ईशल और वलिया तीनों की क्लासेस जो हैं वो सेकंड फ्लोर पर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर रश इतना ज़्यादा नहीं था जितना कि हम सोच रहे थे। नीचे रश था, लेकिन ऊपर जो था ना वो अभी इतना ज़्यादा रश हुआ नहीं था। कोशिश हमारी ये थी कि हम जल्द से जल्द फारिग हो जाएँ, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो थे ना हमें 2 से 2.5 घंटे इनके लग ही गए थे। जबकि यूशा और ईशल की टीचर्स मोस्टली सेम है, क्योंकि दोनों के ग्रेड्स आगे पीछे गए, तो इसलिए क्लासेस में टीचर्स जो होती हैं वो दोनों को एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रही होती हैं, लेकिन फिर भी जो है वो दोनों का बात करना या डिस्कस करने में थोड़ा सा टाइम लगा था। बाकी ये कि आप देख सकते हैं कि स्कूल में काफ़ी ज़्यादा इन लोगों ने अच्छा सा स्कूल को डेकोरेट किया हुआ था, और ये जो सामने वॉल आपको नज़र आ रही है इसमें बच्चों ही की पेंटिंग्स वगैरह थी। आर्ट के ऊपर बहुत अच्छा इन लोगों ने फोकस करते हैं ये लोग, जिसकी वजह से आर्ट बच्चों की माशाल्लाह से बहुत अच्छी है। ईशल की तो आर्ट माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये जनाब वलिया की दोस्त और वलिया ने बनाया हुआ था। चलो आ गया। अब मैं निकल चुकी हूँ, बहुत धूप हो रही है, आप देख सकते हैं। सन अपनी बेस्ट बेस्ट सनराइज है, और हम लोग निकल गए अपने स्कूल से, तो मैं आपको घर में मिलती हूँ। तो जी बस यहाँ से स्कूल से हम लोग निकले थे, तो यहाँ पर इस वक्त जो था 12:15 बजे का टाइम हो रहा था। अब यहाँ से हमने जो है वो अपना मिल्क लिया था, दही लिया था, और घर पे जाके क्योंकि गर्मी इतनी हो गई थी ना, तो घर पे जाकर यही था कि लस्सी बनाएंगे, और रास्ते से हमने हलवा पूरी भी ले लिया था ताकि बच्चे जो है वो नाश्ता कर लें। बस घर आ गई थी, घर आके सबसे पहले हमने जो था वो बस ये नाश्ता ही निकाला था, इसलिए कि भूख इतनी शदीद लग रही थी यहाँ पर। और बस मैंने चेंज किया था, और जल्दी से इन लोगों को हलवा पूरी निकाल के दिया था, क्योंकि ईशल तो साथ नहीं गई थी, लेकिन यूशा और वलिया हमारे साथ थे।
इन लोगों को स्कूल में उन्हें जूस और चिप्स वगैरह तो दिए थे, लेकिन फिर भी जो है वो बच्चे भूखे हो रहे थे। यूशा ने तो कुछ भी नहीं खाया था, ना जूस पिया था ना चिप्स खाए थे वहाँ पर। तो घर पर ही आकर बस यूशा जो था वो खाना वगैरह खा रहा था, और यहाँ पर हम थक भी बहुत गए थे आज ना। तो जनाब आ जाइए और हमारे साथ बिस्मिल्लाह करिए। किस किस को हलवा पूरी जो है वो नाश्ते में बहुत ज़्यादा पसंद है? हम वैसे तो ज़्यादातर कॉन्टीनेंटल की लेते हैं, लेकिन इस दफ़ा जो थी वो हमने जौहर चौरंगी से ली थी हमने, आई थिंक हाँ वो जौहर चौरंगी है, तो वहाँ से हमने ली थी और अच्छी थी, इनकी भी टेस्टी थी, मज़े की थी जनाब। उसके बाद मैं थोड़ी देर लेट गई थी, रेस्ट किया था, उसके बाद मैंने जो था वो अपना देसी मुर्ग का शोरबा बनाया हुआ था। काफ़ी दिन से जो था वो रखी हुई थी मैंने मंगा के मुर्गी, लेकिन उसको यूज़ नहीं किया था क्योंकि पहले रमज़ान थे, रमज़ानों में बच्चों का बिल्कुल मूड नहीं हुआ था कि ये खाएं, क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना वो देसी मुर्गी बहुत मुश्किल से खाते हैं, उन्हें बहुत मुश्किल से खिलानी पड़ती है। पता नहीं क्यों, नॉर्मली जो है वो चिकन तो वो लोग खा लेते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों देसी मुर्गी जो है उन लोगों को टेस्ट में पता नहीं क्यों अच्छी नहीं लगती। हालाँकि सही होती है, मुझे तो सही लगती है, लेकिन पता नहीं बच्चे जो हैं वो ज़्यादा शौक़ से नहीं खाते। यहाँ पर हमारा शोरबा जो था वो अच्छे से तैयार हो चुका था। अच्छा, देसी मुर्गी को ना अगर आप मिट्टी के बर्तन में पकाना तो और ज़्यादा टेस्टी बनती है, सोंधी सोंधी सी बनती है और बहुत ही ना मज़ेदार सा फ्लेवर आ जाता है। कोशिश मेरी यही होती है कि मैं जब सालन वगैरह कुछ पका रही हूँ ना तो उनको मैं जो हूँ ना वो मिट्टी की हांडी में पकाऊँ, इससे जो शोरबा का टेस्ट होता है ना वो ज़्यादा मज़ेदार हो जाता है। तो जनाब बस यहाँ पर जो है वो मैं खुर्रम को निकाल के दे रही थी खाना, इसलिए कि हमने तो हलवा पूरी वगैरह खा लिया था, लेकिन खुर्रम ने हल्का फुल्का कुछ खाया था तो उनको लग रही थी इस वक्त भूख। तो बस जैसे ही सालन तैयार हुआ तो फिर मैंने खुर्रम को निकाल कर दिया, और इसके बाद हमें कुछ काम से भी जाना था, तो बस खुर्रम ने कहा कि मुझे जल्दी से खाना दे दो, फिर मैं खाना खाते हैं फिर हम ना निकलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सालन कितना मज़ेदार लग रहा है ना। अच्छा जनाब, ये जो है ना मैंने आपको बताना था कि हम जो है वो अपना घर शिफ्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर जनाब हमारा जो है ना वो माशाल्लाह माशाल्लाह से, आप लोग भी देख के माशाल्लाह ज़रूर कह दीजिएगा, घर बन रहा है ये वाला, और इसको जो है वो मैं खुद अपनी पसंद से बनवा रही हूँ, जो जो चीज़ें जो जो काम है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमारा काम चल रहा है, अन करीब हमें यहाँ पर शिफ्टिंग भी करनी है, तो काम जो है वो काफ़ी तेज़ी से अब हो रहा है यहाँ पर ना। को किचन भी बन रहा है और हमारी मीडिया वॉल भी बन रही है, तकरीबन हर जगह ही कुछ ना कुछ काम इस वक्त हमारा चल रहा है। तो ये मेरा किचन है और किचन के साथ ही लाउंज है, किचन जो है वो लाउंज में ही खुलता है। ये हमारा ड्राइंग रूम है और ड्राइंग रूम में भी अभी हमारा काम चल रहा है, और फोर सीलिंग का काम हमारा हो गया है, लेकिन बाकी जो काम है वो अभी हमारे चल ही रहे हैं। ये रमज़ान की वजह से हमारा घर जो है थोड़ा सा लेट हो गया, वरना फिर ये था कि अगर रमज़ान नहीं होता ना तो काम तेज़ी से होता, रमज़ान में काम हल्का हो जाता है। फिर ईद की एक हफ़्ते की छुट्टी आ गई तो भी इस वजह से काम जो था थोड़ा सा डिले हो गया था, लेकिन ये कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह अब काम जो है वो तकरीबन फिनिशिंग की तरफ ही जा रहा है, एंड होने जा रहा है। बस दरवाज़े वगैरह लगने, वो भी इंशाल्लाह जल्द ही हमारे दरवाज़ों का ऑर्डर दे दिया है तो वो भी लग जाएंगे। किचन जो है वो बहुत मैंने अपनी पसंद से लगवाया है, तो आप किचन देख सकते हैं, अभी तो खैर किचन का लुक नहीं आया, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जब शिफ्ट हो जाएंगे सेट कर लेंगे तो फिर आपको इसका पूरा टूर भी देंगे हम। बस इसी के कामों की वजह से मैं बहुत ज़्यादा इन दिनों बिज़ी भी थी, और वीडियोज़ भी जो थी वो मेरी थोड़ी सी इसीलिए डिले हो जाती हैं, क्योंकि रोज़ आना जाना हर काम जो है ना वो आपको जब अपनी पसंद से या अपनी मर्ज़ी से आप ख़ुद करा रहे हो ना तो फिर आपको हर चीज़ को देखना पड़ता है। तो यहाँ पर भी यही है कि हर चीज़ जो है वो हमें देखनी पड़ती है बार बार, के क्या चीज़ किस तरह से हो रही है या इसको कहाँ पर लगाना चाहिए। तो वो काफ़ी देर सोचने के बाद मैं और खुर्रम दोनों सोचते हैं, फिर वो करते हैं। ये कमरा जो है वो हमारा यूशा का कमरा है, और इसको जो है वो यूशा के ही पसंद से हम डेकोरेट करें, और इंशाल्लाह जो है वो यूशा बहुत खुश हैं, बच्चे सारे ही बहुत खुश हैं, क्योंकि सबका सामने मेरा और बच्चियों का कमरा साथ साथ है, यूशा का कमरा थोड़ा सा इसलिए कि बॉयज़ आते जाते हैं, उसके फ्रेंड्स आए जाएंगे। तो जब भी हमने उसका जो रूम है वो फ्रंट पे रखा है ताकि लॉन से निकल के ना जाए, वो लोग साइड से निकलें और साइड से ही घर से चले भी जाएँ, घर में आ भी जाएँ। तो जी बस आप लोग मुझे देख के ज़रूर बताइएगा आप लोगों को मेरा घर कैसा लगा, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय, सी यू।